दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते और स्वागत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े एक केस में 24 अप्रैल को केंद्र सरकार को एक आदेश दिया। सरकार से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की एक पूर्व महिला अधिकारी को मुआवजे के रूप में 1,00,000 रुपए देने को कहा है। कोर्ट ने यह आदेश रॉ के सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े मामले को सही तरीके से हैंडल न कर पाने पर दिया। कोर्ट ने कहा है कि रॉ ने शिकायत पर एक्शन लेने में देरी की, यह महिला के जीवन के मूल अधिकार और गरिमा का उल्लंघन है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। बारन बेंच की खबर के मुताबिक अगस्त 2007 में रॉ की एक महिला अधिकारी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत की थी। महिला 1988 में रॉ में शामिल हुई थी। अपनी शिकायत में उन्होंने रॉ के तत्कालीन सेक्रेटरी अशोक चतुर्वेदी और ज्वाइंट सेक्रेटरी सुनील उइके पर आरोप लगाया कि दोनों ने महिला से कहा कि जल्दी प्रमोशन के लिए वो संगठन के अंदर चल रहे सेक्स रैकेट में शामिल हो जाएं, लेकिन महिला ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। शिकायत के बाद रॉ की ओर से आरोपी की जांच के लिए करीब 3 महीने बाद जांच कमेटी बनाई गई। जांच कमेटी ने सुनील उइके पर लगाए आरोपों को खारिज कर दिया। इसके बाद शिकायत करने वाली महिला ने अगस्त 2008 में प्रधानमंत्री के दफ्तर के पास में सुसाइड करने की भी कोशिश की। ऐसे में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने एक और जांच कमेटी बनाई। जांच का जिम्मा रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रथी विनय झा को दिया गया। इस कमेटी ने भी फैसला शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ दिया। आरोपी अधिकारियों को क्लीन चिट मिल गई। इसके बाद दिसंबर 2009 में महिला को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सेवा नियम 135 के तहत कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया गया। नियम 135 कहता है कि अगर रॉ का कोई अधिकारी एक्सपोज होता है या सुरक्षा कारणों से संगठन में काम करने लायक नहीं है या काम के दौरान चोट आती है या अक्षम हो जाता है तो उसे कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया जाता है। ऐसे में सरकार की ओर से महिला को कहा गया है कि सुसाइड के प्रयास के चलते वो खबरों में आ गई, इस वजह से वो एक्सपोज हो गई यानी उनकी पहचान सार्वजनिक हो गई। महिला ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी। उन्होंने रूल 135 को असंवैधानिक बताया, लेकिन साल 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही माना। महिला अधिकारी ने सरकारी सुविधाएं नहीं छोड़ी। इन सभी मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। कोर्ट ने माना कि शिकायत पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं की गई। सीनियर अधिकारियों ने प्रक्रिया के तहत कई गलतियां की, उनका रवैया भी ढीला था। इससे महिला की गरिमा और जीने के अधिकार को नुकसान पहुंचा। कोर्ट ने आगे कहा कि महिला ने जब सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत की तो अधिकारियों का रवैया लापरवाही भरा था। इस वजह से महिला को असंवेदनशीलता और अशोभनीय माहौल का सामना करना पड़ा। जांच का नतीजा चाहे जो आया हो, लेकिन महिला के मूल अधिकारों को नुकसान पहुंचा, इसलिए महिला को मुआवजे के रूप में 1,00,000 रुपए दिए जाने चाहिए। यह रकम 6 सप्ताह के अंदर अंदर दी जाए। कोर्ट ने महिला को 3 महीने में सरकारी घर खाली करने को भी कहा है। साथ ही सरकार से कहा कि महिला से किसी भी तरह का किराया या बकाया ना लिया जाए। कोर्ट ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के सेवा नियम 135 को सही माना है, कहा कि यह असंवैधानिक नहीं है। कोर्ट ने कंपलसरी रिटायरमेंट देने को भी सही माना और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। महिला ने अपने बेटी की उच्च शिक्षा के लिए भी सरकार से 26,00,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि महिला रिटायरमेंट के तहत मिलने वाले फायदों और सुविधाओं की ही अधिकारी हैं, इसके अलावा कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता। ये खबर लिखी है, ये सारी जानकारियां बटोरी हैं हमारे साथी शक्ति ने। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। हमसे जुड़े रहिए। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesltd@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।